हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? दोस्तों, जैसे कि मैं डेली एक वीडियो बना करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता हूं आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है या आती है तो कम आती है, आपको प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को जानना है, तो आपको कैसे समझना चाहिए, कैसे जानना चाहिए और कैसे चीज़ों पर प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे चीज़ें सीखनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैं डेली 1 से 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता हूँ आप सभी के लिए कि उसको देख करके कुछ एक नया चीज़ें सीखें। जैसे दोस्तों कि मैं डेली एक स्टूडेंट के साथ में वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा, जो जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हर एक वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँचती जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप सभी को बताऊँगा कि हमें कार को चलाने से पहले किन किन बातों को आसानी से समझ लेनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं कि कार को चलाना स्टार्ट कर देते हैं, कार का इंजन स्टार्ट करके कार को चलाना स्टार्ट कर देते हैं, कार रनिंग में करने चलने लगती है और उनको कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं पता होती हैं कि अगर सामने से कोई आ जाएगा तो हमें कैसे रोकना होगा कार, कैसे हमें कार की स्पीड को कंट्रोल करना होगा, कैसे हमें कार की स्टीयरिंग को कंट्रोल करना होगा, या अगर चलाते वक्त सामने से अगर कोई आ गया तो हमें कितनी स्पीड में ब्रेक लगाना चाहिए, कितनी स्पीड में ब्रेक लगाना चाहिए, कितनी प्रेशर से हमें ब्रेक पे पैर डालना चाहिए। तो दोस्तों, वहाँ पे हमें अक्सर इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको लगाना होता है हल्का सा ब्रेक और वो क्या करते हैं, पूरा ब्रेक दबा देते हैं और एकदम से चिपक के कार वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है और पीछे जो होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है या उसको दिक्कत हो जाती है, या अगर वो भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो आपकी कार के पीछे से ठोक देगा। तो दोस्तों, हमें कितने प्रेशर से ब्रेक दबाना चाहिए, कितने प्रेशर से हमें एक्सीलेटर दबाना चाहिए, और हालांकि जो क्लच होता है वो तो हमारा स्मूथ होता है, उसे तो हमें पूरा ही दबाना पड़ेगा, अगर जो क्लच होता है उसको तो हमें पूरा ही क्लच दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आइए हम आप सभी को बताएंगे कि हमें कैसे पैर का यूज करना चाहिए और किस पोजिशन में हमें पैर को रखना चाहिए। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे YouTube चैनल से जुड़े, मेरे Facebook पेज को भी फॉलो करें और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को फेसबुक का, और मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने ब्लॉग बनाया है, उसको भी आप सभी सब्सक्राइब करें और उससे भी जुड़ें। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें कैसे यूज करना चाहिए ब्रेक और एक्सीलेटर और क्लच, कैसे हमें यूज करना चाहिए। दोस्तों, हम आप सबको ये चीज़ सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने देख रहे होंगे आप सब, ये A4 एक्सीलेटर है, B4 ब्रेक है, C4 क्लच है। A4 एक्सीलेटर से हमें स्पीड बढ़ाना होता है राइट वाले पैर से, ठीक है, और ये B4 ब्रेक है हमारा, जिससे कि हमारा देखिए, जब भी कभी हमें पैर का यूज करना होगा तो पैर हमें इस पोजीशन में रखने चाहिए सीधे, और ये एक्सीलेटर पे आ गया पैर। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पैर ऐसे रखते हैं, तो दोस्तों हमें ऐसे पैर नहीं रखना चाहिए, हमें ये पोजीशन रखनी चाहिए पैर की, और यहीं से हमें राइट वाला पैर का जो उंगलियाँ हैं, जो उंगलियाँ हैं, पंजे जिसको बोलते हैं, जिसको फिंगर बोलते हैं, ठीक है, फिंगर उंगलियां, ठीक है, ये ऐसे मैंने रखा, सिर्फ फिंगर हमें मूव करना है, पंजे, जो पंजे है वो हमें मूव करना है, बाकी हमें जो हील है, ये जो हील मैं उठा रहा हूँ राइट वाले पैर का, ये पोजीशन हमारी यहीं पर रखनी चाहिए, और क्लच मुझे जब भी कभी दबाना होगा तो पूरा ही क्लच दबाना होगा, क्लच जब भी कभी हमें दबाना होगा तो क्लच पूरा ही दबाना होगा दोस्तों। और हमें यह एक्सीलेटर ब्रेक, अब एक्सीलेटर हमें कितना यूज करना है, इसको जब भी कभी यूज करें तो हल्का 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 दबाएं। दोस्तों, अगर जब आप हल्का हल्का दबाओगे तो आपकी स्पीड हल्की हल्की बढ़ेगी, जब आपकी हल्की हल्की स्पीड बढ़े तो वहां पे आप देख लीजिए कि किस गियर में आप चल रहे हैं, तो उस गियर की हमें स्पीड को मेंटेन रखना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट गियर में हमें 10 से 15 के आसपास स्पीड रखना होता, तो उतना एक्सीलेटर करें। देखिए, नजरें तो आपको हर एक जगह जमा के रखना होगा, ठीक है,
आपको सामने भी देखना है, आपको मीटर पे भी देखना है, आपको राइट लेफ्ट मिरर में भी देखना है, बैक मिरर में भी देखना है, लेकिन आपको नीचे पैंडल पे, जो पैंडल ये तीन पैंडल है ए बी सी, तीन पैंडल, पैंडल पे हमें नजरें नहीं ले जाना है। पैंडल पे एक बार हमें चलाने से पहले हमें देख लेना है, पैर को एडजस्ट कर लेना है बस, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं गियर पे, ये गियर है, जब भी कभी दोस्तों हमें गियर लगाना तो पूरा क्लिक, देख रहे हैं आप लेफ्ट वाला पैर मेरा पूरा दब रहा है, लेफ्ट वाला पैर आप सब देख रहे होंगे कि मेरा पूरा दब रहा है, ठीक है। क्लच दबा के हम लोग गियर चेंज करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मेरा गियर है, ठीक है। गियर को जब भी कभी हम लोग लगाएंगे तो इसको बहुत ही इजी और बहुत ही स्मूथ पकड़ेंगे, ये नहीं बहुत आदमी क्या लोग क्या करते हैं बहुत इसको तोड़ने लगते हैं, तोड़ते नहीं है इसको, इसको बहुत हल्के से और स्मूथ लगाते हैं जब भी कभी। क्लच दोस्तों दबाया और बहुत इसको हल्का से मैंने लेफ्ट गियर और आगे फर्स्ट गियर हो गया, फिर इसको मैं हल्का सा पीछे कर दूंगा और ये बैक मतलब कि वापस गियर फिर से हमारा न्यूट्रल हो गया। फिर से दोस्तों इसको हम लोग हल्का सा लेफ्ट करूंगा और पीछे कर दूंगा, सेकंड गियर हो गया। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि फर्स्ट और सेकंड गियर जो हमारा होता है वो लेफ्ट में करके ही लगाना होता, आगे फर्स्ट पीछे सेकंड, ठीक है। और अगर आप इसको आप राइट लेफ्ट नहीं करते हो सीधा आगे करोगे तो हमारा थर्ड गियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे बैक करेंगे हम न्यूट्रल पे आ गया, अगर थोड़ा ज्यादा बैक कर देंगे पीछे तो फिर फोर्थ गियर लग गया हमारा, बहुत स्मूथ है। एक बार आप खाली होके फ्री माइंड होके बैठो और इसको बस न्यूट्रल अगर है तो हल्का सा लेफ्ट करो और आगे फर्स्ट गियर लगे, लेकिन तभी अगर आराम से गियर लगेगा जब हमारा पूरा क्लच दबा होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कभी हमें गियर लगाना होता है तो बहुत इजी, लेफ्ट में आगे फर्स्ट, लेफ्ट में पीछे सेकंड। दोस्तों उससे पहले चलाने से पहले हमें राइट मिरर जैसे मैंने अभी बंद करके रखा है, ठीक है, लेफ्ट मिरर भी मेरा बंद है, ठीक है, ये राइट मिरर हो गया, ये लेफ्ट मिरर हो गया। दोस्तों जब भी चलाने से पहले हमें राइट मिरर और लेफ्ट मिरर का हमें सेट कर लेना चाहिए, इतना कि हमें पीछे की साइडें क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है। ये आपका बैक मिरर हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया गियर लीवर कैसे हमें फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना होता है, कैसे हमें फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना होगा, और फिर हमने बताया आपको क्लच और ब्रेक कैसे हमें यूज करना है और हमें स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है। दोस्तों जैसे मैंने आप सभी को बताया कि हमें फर्स्ट गियर और सेकंड गियर कैसे यूज करना है और हमें क्लच ब्रेक का कैसे यूज करना है। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर ढेर सारी वीडियोस हैं, आप उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको उसमें कई ढेर सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो अभी तक आपको जानकारी नहीं होंगी। तो दोस्तों अभी आज तक तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, ठीक है। दोस्तों मेरा स्टूडेंट भी आ गया, वो सामने वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, उनको ड्राइविंग सिखाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं दोस्तों फिर से हम। लेकिन दोस्तों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ढेर सारी बातें, ढेर सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने फेसबुक की, फेसबुक पेज की, और एक नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है कार नॉलेज बाय आकाश के नाम से है, कार नॉलेज बाय आकाश के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी एक अच्छी से अच्छी वीडियोस और नॉलेज के लिए मैं डालता हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों आज इतना ही, बाय बाय।